हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल निन्नी। मैं नरेंद्र कौर सिंह आज आपके लिए मेंस वूलन बैंड बनाने के लिए आ रही हूँ आपके पास। दोस्तों, ये मैंने वर्धमान की नॉर्मल वूल ली है। ये ना ज़्यादा मोटी है ना ज़्यादा पतली है। इसको मैं 9 नंबर की सिलाइयों से हम बनाएंगे। इस बैंड में मैं 100 फंदे डालूंगी, 100 फंदे डाले हैं इसमें। और सिंपल डिज़ाइन है दोस्तों, 2 सीधा 2 उल्टा 2 सीधा। इसको इसके सिंपल है, पहला फंदा ऐसे स्टिच उठा लेंगे ताकि फिनिशिंग आ जाए, और 2 उल्टे 2 सीधे बनाएंगे इसको दोस्तों। दो सीधे 100 फंदे हैं, 2 उल्टे 2 सीधे। ऊन को आगे करेंगे 2 उल्टे, फिर इस ऊन को पीछे करेंगे 2 सीधे, ऊन को आगे करके 2 उल्टे। बहुत सिंपल है। दोनों सिलाइयों में फर्स्ट रो में भी ऐसे ही 2 सीधे 2 उल्टे, सेकंड रो में भी जहाँ सीधे हैं वहाँ सीधे बनाएंगे, जहाँ उल्टे हैं वहाँ उल्टे बनाएंगे। इस तरीके से धारीदार डिज़ाइन बनेगा। 2 सीधे 2 उल्टे और ऐसे देखिए, ये सिंपल मेरा बैंड मेंस वूलन बैंड तैयार है। 2 सीधे देखिए, हमने 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे 2 उल्टा 2 सीधा 2 उल्टा 2 सीधे बनाए थे, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। 100 फंदे मैंने यहाँ डाले थे। इसकी हाइट, इसको ये वाला देख लेते हैं अपन, कान ढकने के ढक जाएगा इससे। अभी देखते हैं हमने कितना बनाया। दोस्तों, ये 3.5 इंच हमने ली है ऊँचाई ताकि हमारे कान ढक सके। ये बहुत ही खूबसूरत बनके तैयार हो गया है। देखिए कितना फ्लेक्सिबल है। अब हमें दोस्तों इसे जोड़ना है। इन 2 पॉइंट्स को हम जोड़ेंगे। ये देखिए इस सुई से अब इन 2 पॉइंट्स को हम जोड़ देंगे। इधर से एक फंदा उठाएंगे, ये जो हम एज ए स्टिच रखते थे वही है ये। ये देखिए एज ए स्टिच फंदे हैं ये, ज्यादा नहीं लेंगे। एक फंदा यहाँ से उठाएंगे, एक फंदा यहाँ से उठाएंगे, और बहुत ही सॉफ्ट है। टाइट नहीं होगा माथे पे, हेड पे, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है, बना हुआ है बहुत ही। और सीधी सीधी लेयर्स भी बहुत सुंदर लगती है। देखिए हमने इसको सिल दिया है, थोड़ा और पक्का करने के लिए वापिस इसको 2-3 बार करेंगे। ये देखिए हमने इसको वापिस ले गए हैं घुमा के। अब यहाँ हम इसे थोड़ा सा घुमा के ख़त्म कर देंगे। देखिए इसके अंदर डाल के हम इसको निकाल लेंगे। ये एक्स्ट्रा धागे को काट लेंगे। ये देखिए दोस्तों, अब हमें इसे सीधा कर लेंगे। ये इस साइड हमने सिलाई करी है, ये देखिए इसको हम क्रोशिए से अंदर कर देंगे। इस धागे को हम क्रोशिए से, ये देखिए यहाँ कर लेते हैं, पास में दिखाई नहीं देगा ये। ये देखो इसको खींच लिया मैंने, फिर इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देंगे। ये देखिए इस तरीके से इसको दोस्तों हम क्रोशिए से उसी के अंदर जहाँ हमने स्टिच करा है उसके अंदर ही डाल देंगे। ये देखिए बिल्कुल दिखेगा नहीं। ये देखिए हमने डाल दिया। ये देखिए दोस्तों बैक साइड है, इसको उल्टा कर सीधा कर लिया हमने। और अब देखिए कितना खूबसूरत ये बैंड हमारा बन के निकला है, और बहुत सीधा सीधा फ्लेक्सिबल है, और बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत खूबसूरत फाइनल लुक लग रहा है। ये मेंस वूलन है बैंड है, फिर भी मैं इसको आपको पहन के दिखाती हूँ कि इसका लुक कैसा है।
देखिए दोस्तों, पूरा माथा पूरा ढक गया है और ये कान पूरे ढके हैं। इसमें देखिए पूरा बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। चलो दोस्तों देखिए, बहुत ही खूबसूरत बैंड मेरा बनके तैयार हो गया है। अभी तक दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि वे बनाएं अपने लिए बैंड और अपनों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए बनाएं। बहुत ही खूबसूरत है, ठंड से बहुत ही सुरक्षा देगा। थैंक यू।